Hey, what's up you guys, this is your boy Shashank and welcome to my channel. तो आज हम लोग देखने वाले हैं how to choose the perfect haircut according to your face shape to look more attractive. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमको हमारा फेस शेप पता कैसे करना है. तो क्या करना है, आपको एक सेल्फी लेना है जिसमें आपको स्माइल नहीं करना है और आपको उसको बिल्कुल पैरेलल रखना है, बिल्कुल इस तरीके से. और फिर आपको एक सेल्फी लेना है. उसके बाद आप क्या करेंगे, एक मार्कर लीजिए और आपके फेस के अराउंड पूरी एक बाउंड्री बना दीजिए. उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका फेस शेप क्या है. तो पहले आप अपना फेस शेप देख लीजिए और फिर देखिए कि आपके ऊपर कौन सा हेयर कट सबसे ज़्यादा सूट करेगा. तो हेयर कट का काम जो होता है वो होता है कि आपके फेस में एक बैलेंस प्रोवाइड करने का. जैसे कि आपकी जॉ बहुत ज़्यादा चौड़ी है और आपका फोरहेड काफ़ी छोटा है, तो आपका जो हेयर कट है उसको बैलेंस आउट करते आना चाहिए. या फिर आपका फेस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रक्चर्ड है जैसे एक स्क्वायर फेस शेप्ड, तो उसको बैलेंस आउट कैसे करना है वो एक हेयर कट का काम होता है. तो अगर आपने अपना हेयर कट अच्छे तरीके से चूज़ किया तो वो आपको ज़रूर ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा. तो इंडियन मेंस के लिए हम लोग ने जो फेस शेप्स हैं उनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जो कि है राउंड, ओवल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राउंड फेस शेप से. तो राउंड फेस शेप में आते हैं सलमान खान एंड आमिर खान. तो इस फेस शेप में आपको क्या करना है, तो अगर आपका एक राउंड फेस शेप है तो उसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐड करना है जिससे कि वो बिल्कुल राउंड ना दिखे और आपके फेस में थोड़ा स्ट्रक्चर दिखे और आपकी जॉ लाइन थोड़ी उभर के आए. तो उसके लिए हमको क्या करना है, जो हमारी साइड्स रहेंगी वो थोड़ी शॉर्ट रहेंगी, मतलब बिल्कुल शॉर्ट नहीं रहेगी, वो थोड़ी सी शॉर्ट रहेगी. और कॉम्प्लीमेंट देने के लिए जो आपका टॉप रहेगा वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा बड़ा रहेगा. जैसे कि हम इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि सलमान सर और आमिर सर ने अपने हेयर कट्स कुछ इस तरीके से रख के रखा है कि उनके साइड्स ज़्यादा शॉर्ट नहीं है और उनका जो टॉप है हेयर का वो थोड़ा सा इलोंगेट, मतलब थोड़े से ज़्यादा लंबे बाल हैं ऊपर, जिससे कि उनके फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिल रहा है और वो एकदम बैलेंस्ड फेस शेप आपको प्रोवाइड कर रहा है. तो अब हम लोग मूव करते हैं हम लोग की सेकेंड कैटेगरी पे, जो कि है स्क्वेयर फेस शेप. अब इसके एग्जांपल्स है शाहिद कपूर एंड विराट कोहली. तो इस फेस शेप पे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है, तो आपको इससे स्ट्रक्चर रिमूव करना है. तो आपका जो टॉप रहेगा इसमें वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा आपके साइड से, आपके साइड्स और आपका टॉप लगभग एक जितना ही रहेगा, ताकि वो बिल्कुल स्ट्रक्चर आपके फेस से रिमूव कर दे और आपका फेस काफ़ी सबटल दिखे. और ये इकलौता है ऐसा फेस शेप है जिसमें आप बस कट अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि बस कट करने के बाद जो आपका हेड का टॉप का पार्ट होता है वो हमेशा राउंड ही होता है और आपका फेस का स्ट्रक्चर स्क्वायर है इसमें. तो वो जो बस कट रहेगा वो आपके फेस से स्ट्रक्चर रिमूव कर देगा और आपका फेस काफ़ी सबटल दिखेगा. तो अब हम लोग मूव करते हैं हम लोग के थर्ड फेस शेप पे, जो कि है एक ओवल फेस शेप. तो इस फेस शेप का ये फायदा है कि आप इसमें लगभग सारे हेयर स्टाइल्स कर सकते हैं. बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि आपको जो टॉप का पार्ट है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि अगर आपका वैसे इलोंगेटेड फेस शेप है और आपके हेयर के टॉप में भी ज़्यादा वॉल्यूम है तो आपका फेस बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड दिखेगा, जो कि आपको नहीं दिखाना है. तो आपको जो आपके हेयर का ऊपर का पार्ट है उसको छोटा ही रखना है और साइड भी स्मॉल रखनी है. तो आप एक क्रू कट ले सकते हैं इसमें और ट्राई करिए कि आप साइड्स ज़्यादा छोटे ना करवाएं. एंड फाइनली मूविंग ऑन टू द फोर्थ फेस शेप, विच इज़ अ ट्राइंगुलर फेस शेप, जो कि मेरा खुद का भी है. तो इस फेस शेप में क्या होता है कि आपका जो फोरहेड है वो कम होता है और आपकी जो जॉ है वो ब्रॉड होती है. फॉर एग्जाम्पल आप वरुण धवन को देख सकते हैं. तो ये फेस शेप सबसे अच्छा होता है आपको अगर अच्छे हेयर स्टाइल्स रखना है. तो इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, वो हमेशा वर्क करेगा. तो आपको क्या करना है, आपकी साइज़ एकदम छोटी रखनी है और उसको एक फेड जैसा लेके जाना है, मतलब यहाँ पे आपके बाल छोटे रहेंगे और जाते जाते यहाँ पे बड़े हो जाएंगे. तो इसमें आपको बिल्कुल टेपर्ड फेड नहीं रखना है, इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं 2 या 3 नंबर के गार्ड से और फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाइए. तो जैसे मेरा फेस शेप भी ट्रायंगुलर है और यहाँ पे मेरा 6 नंबर का गार्ड यूज़ हुआ था और वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होते गया. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन भी ऐड करवाई है ताकि जो मेरा साइड स्वेप्ट है वो अलग से दिखे. और देखिए साइड से मेरे फेस पे ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ के मेरे बाल छोटे और यहाँ पे हाई वॉल्यूम है. एक वीडियो मैं वो भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको किसी भी प्रोडक्ट के बिना एक इतना अच्छा वॉल्यूम लाके बताऊंगा, उसमें आपके बाल बिल्कुल डैमेज भी नहीं होंगे. तो जो ट्रायंगुलर फेस शेप वाले हैं उनको अपने साइड्स छोटे रखना है और ग्रेजुअली एक फेड रखना है. और इस फेस शेप में आप बहुत सारे हेयर कट्स रखते हैं, जैसे कि मैंने अभी एक साइड स्वेप करके रखा है. आप स्लिक बैक भी रख सकते हैं, आप चाहें तो एक मैसी लुक भी रख सकते हैं. जैसे कि अभी मैंने यही हेयर है, इसको मैं धो के ला के वापस सुखाऊंगा और इसको भी सिर्फ ऐसे स्प्रेड कर दूंगा कोई भी एक नॉर्मल सा ऑयल लगा के, तो वो एक मैसी लुक रहेगा. और ये जितने भी रूल्स हैं ये सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए, हेयर स्टाइल के साथ आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. वैसे भी बाल थोड़े दिन में वापस आ ही जाएंगे तो उसके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बस आप एक हेयर स्टाइल पे स्टिक मत करिए, आप ट्राई करते रहिए नए नए, और जो हेयर स्टाइल आपको खुद को अपने अंदर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है उसी हेयर स्टाइल को ऑप्ट करिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक्स फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे एंड डोंट फॉरगेट, यू आर ऑसम.